कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये श्लोक है 28-29। धीरता बढ़ते न ही मया छंदांसी गुरु भग्नय मानिता निर्भय लिखे न गृहितम चानुशासनम। भारत वेव देशे न यामना अर्थ प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि धीर्युक्त। अर्थात व्यासदेव अपने मन की बात बता रहे हैं यहाँ पर सम्मपाश नामक स्थान में। क्या बता रहे हैं कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते। तो वो जो व्यासदेव यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे, इसका कारण खोज रहे हैं। से कोई विचार करता है ना, मैं असफल क्यों हुआ? मैं तो मैथमेटिक्स भी ट्यूशन किया था, मैं तो इंग्लिश में भी ट्यूशन किया था, सोशल साइंस भी पढ़ा था अच्छी तरह, लेकिन फिर भी मैं थर्ड डिवीजन कैसे हुआ? मुझे तो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, व्यक्ति विचार करता। वही उसी तरह व्यासदेव यहाँ पर विचार कर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि कठोर आनुशिष्टिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। वेदों का जो वास्तविक अर्थ है, वेदों का वास्तविक अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए प्रभुपाद वही चीज का उल्लेख करते हैं, कठोर अनुशासनिक व्रत। अनुशासनिक कठोर मतलब हम लोग समझ रहे हैं, कठोर मतलब बहुत कड़ा कड़ा नियम। हाँ, अनुशासनिक मतलब, अनुशासनिक मतलब जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर मारते भी है, हाँ पीटते भी है, घर भी भगा देते हैं, तो अनुशासन डिसिप्लिन। हाँ डिसिप्लिन, तो अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए। शिष्य परंपरा मतलब हम लोग कहाँ पर है, हम लोग किस शिष्य परंपरा में है? भगवान कृष्ण के शिष्य परंपरा, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, इस तरह परंपरा करके श्रील प्रभुपाद। तो दो चीज यहाँ पे क्या उल्लेख आ रहा है कि पहला कि कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन, मंगल आरती भी उठना है, कभी कभी मायापुर धाम आना है अगर कोई दूसरी जगह में, सोलोमाला का जप करना है, नित्यम भागवत कथा सुनना है, भागवत कथा में ज्वाइन करना है, ये जो अनुशासन है। तो गुरु से जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोगों को बता रहे सरल भाषा में, यद्यपि आप लोग कहीं पर दूसरे मंदिर से कनेक्टेड नहीं है, एग्जाम्पल एकमात्र जूम क्लास को ज्वाइन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कक्षा को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज बोलता हूँ कि सुबह जल्दी जल्दी उठना है, सोलोमाला जप करना है, और उसके बाद भागवतम की कक्षा में कभी मिस नहीं करना, रोज इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो आप लोग जो पालन कर रहे हैं ना, इसे कहता अनुशासनिक, इसे कहा जाता अनुशासन। तो क्या अनुशासन? गुरु शिष्य परंपरा का अनुशासन, क्योंकि मैं भी वो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे सिखाए हैं, श्रील प्रभुपाद उनके गुरुदेव उनको सिखाए हैं, श्रील प्रभुपाद को उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिखाए, हाँ गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ये अनुशासन आ रहा है, तो उसी प्रकार हमको अभी प्राप्त हुआ, अभी हम आप सबको गाइड कर रहे हैं कि ये करना है वो नहीं करना, भागवतम पढ़ना है, कोई यजुर्वेद, कोई ऋग्वेद, कोई सामवेद कुछ नहीं पढ़ना है, वो रखा है घर में रहने दो, भागवतम पढ़ना, ये है अनुशासन। अगर इसको अगर चलेंगे तब व्यक्ति वेदों के अर्थ को समझ सकते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही चीज बता रहे कि अगर कोई नहीं, प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं, मैं तो भागवत इसको पढ़, मेरे घर में तीन वेद है उसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद में कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता यदि
अनुशासनिक व्रत शिष्य परंपरा का पालन नहीं करता तो किस व्यक्ति को वेदों का यथार्थ ज्ञान प्रकट होगा? जो अनुशासनिक व्रत का पालन करते, शिष्य परंपरा का पालन करते। जो हम जो दे रहे हैं, मैं वो, मुझे ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि मैं वो पालन किया। आप लोगों को कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? अगर आप लोग पालन करें तो ये है अनुशासनिक व्रत। तो अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा जागृत अग्नि की पूजा करे। जो अगर ये सब चीज को जो चाहता है उनको क्या करना है? चलिए, नंद किशोरी माता जिसको पूरा पढ़ना चाह रहे, मैं पढ़ ही दे रहा हूं क्योंकि उनका मन मेरे बातों में नहीं है। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञ की पूजा करें। तो वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक। श्री प्रभुपाद बता रहे कि इस युग में मूल वेद की अपेक्षा महाभारत की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वेदों में कल तो हम लोग एक दो लाइन थोड़ा पढ़े, पिता माता जी पढ़ रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। सोम, हे सोम देव, आप अगर हमारे बैगन सब्जी में टेस्ट ना भर दे तो हम सब्जी बना के कैसे खाए? हे सोम, आप हमारे पानी, जो समुद्र का पानी तो कम, मतलब क्या बोलते हैं, नमकीन है, अगर उसमें अगर आप अपनी अमृतमय दृष्टि ना डाले, एक्वा गार्ड अगर ना दे तो हम लोग कैसे पानी को पिए? हे सोम, आप अगर राइस को अगर सिद्ध न करने का है तो कैसे हम लोग खाए? तो ये वेदों में क्या है? ये सब प्रार्थना है। हाँ, वेदों में ये सब है, लेकिन महाभारत में ये सब वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का, सब कुछ का मिलाकर कंक्लूजन करके महाभारत में स्टोरी के माध्यम से ये सब प्रेजेंटेशन किया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे हम लोग उस स्थिति को समझे और अब उस अनुसार हम लोग आचरण करें। उदाहरण, द्रौपदी बोले कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, तो हम लोग वहां से क्या सीखना है कि अपने वाणी को कंट्रोल करना। ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि सामने वाला भड़क जाए, और दुर्योधन उसके कारण उनका कितना कुछ किया है ना। जैसे बोला कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, अरे बाबा आपका वो देवर लगता है, मजाक करो, लेकिन ससुर को क्यों गाली दे, जिसके कारण लज्जित होना पड़ा भरी सभा में। खैर, कृष्ण का भक्त था, यही सबसे क्रेडिट पॉइंट कि उनको रक्षा मिली। अन्यथा चिरहरण हो ही जाता। तो ये जो बाणी, उससे के महाभारत की शिक्षा मिला हम लोगों को, अंधा का पुत्र अंधा होता, मतलब बाणी को ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाला मेरी जान लेने पर तुल जाए। फिर कुंती महारानी को बोले युधिष्ठिर, है इतना बड़ा गद्दारी किए रे मेरी माँ, चलो आज से मैं अभिश्राप देता हूं। नारी जाति कभी कोई भी गोपन बात नहीं रखना। देवताओं की परीक्षा लेने गए कौन? कुंती माता। कि सच में दुर्वासा मुनि जो मुझे दिया, ये क्या पावरफुल है कि मैं जो मांगू वही मिलेगा? देखते हैं तो सूर्य को पुकारा, कर्ण पैदा हो गया, अभी शादी नहीं हुई। तो ये सब क्या है ना, महाभारत में सब कुछ का डिस्क्रिप्शन है। भीष्म देव प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। चलो रह गए उसके बाद, तो जो सत्यवती का जो पिता दासराज, वो क्या प्लान किए थे कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, ये मैं चाहता हूं, मतलब मेरा नाती राजा होगा, तब मैं अपनी बेटी की शादी शांतनु महाराज से कराऊंगा। तो फिर क्या होगा, चित्रांगद तो मर गया जंगल में, और कौन बचा? विचित्र बीर्ज। तो विचित्र बीर्ज भी राजा है, अभी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, दो दो एकदम ब्यूटीफुल गर्ल्स है बिस्तर में,
रूम में पूरा दिन भर माथा खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो कोई बोलने वाला नहीं, राजा है, अनुशासन होना चाहिए ना। एक व्यक्ति विषय जब कोई मान लीजिए विवाह करता है, तो विवाह करने से पहले उनको थोड़ा कुछ ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ कुछ माता पिता भी सिखाते हैं, कोई दोस्त भी सिखाते हैं। अभी वो तो राजा है विचित्र भी, अभी उनको कौन सिखाने जाएंगे कि तुम कंट्रोल में रहो। हाँ, तो जिसके कारण उसका टीबी रोग हो गया विचित्र वीर्यों का, मर गया बेचारा, पूरा वंश खाली। तो उम्मीद किया था दासराज कि मेरा जो पोता मतलब मेरा जो नाती है वो बनेगा राजा, लेकिन क्या हुआ गति, दोनों मर गए। इसीलिए हम लोग प्लान करते हैं और कृष्ण मास्टर प्लान करते हैं, हमारे प्लान से कुछ होने वाला नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो भी है, तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है, महाभारत में ये सब तथ्य दिया गया है। महाभारत जो ग्रंथ है ये वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का, सब कुछ का संबंध दिया। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि महाभारत जो है ना वो वेदों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कलयुग के लिए, जो व्यासदेव ने इसे दिया है। बट स्टिल फिर भी व्यासदेव इतना चिंतित क्यों है, है ना? व्यासदेव जबकि इतना कुछ किए जगत मंगल के, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति क्यों नहीं आ रही? तो आगे श्लोक में बताया जा रहा है कि तथापि बत में देई हो आत्मा चेबात मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्व सत्तम। अर्थात कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि निसंदेह श्रील व्यासदेव भौतिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता से जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृतों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे पूर्ण रूप से सज्जित क्यों न हो दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि श्रील व्यासदेव ने संकेत खो दिया था जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। तो यहां पर फिर वही चीज आया कि व्यासदेव को कुछ अक्षुण्ण था, मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझ में कुछ कमी रह गई, शायद कुछ कमी रह गया जिसके कारण ही मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुआ। संतुष्टि का प्रश्न ही है दूसरों का कल्याण। जैसे मैं संतुष्टि फील करता हूं भागवतम क्लास देखे, क्यों क्यों फील करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितने सारे उपस्थित भक्तगण क्लास को सुन रहे हैं ना, समझ रहे, सिर्फ सुन ही नहीं रहे बल्कि समझ पा रहे, तो जिसके कारण मुझे संतुष्टि आता है। लेकिन मुझे संतुष्टि कब तब नहीं आएगा जब मैं तोता पक्षी की तरह बोलते जाऊंगा और आप लोगों के हृदय में कुछ नहीं घुसे, जस्ट आया चला गया, कान में आया इसमें दूसरे कान में उड़ गया। लेकिन संतुष्टि मुझे क्यों फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं जो बात बोल रहा हूँ हृदय का बात है, जो मैं हृदयंगम किया हूँ, आत्मसात किया हूँ, और वही चीज जब आप लोग के सामने उसे शेयर करता हूँ तो आप लोगों के हृदय में भी पहुंचता है। मन की बात मन तक जाती है, हृदय की बात हृदय तक जाती है, और आत्मा की बात आत्मा तक पहुंचती है। तो मेरी बात आत्मा की तरह होती है जिसके कारण आप लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे संतुष्टि मिलती है। तो उसी प्रकार व्यासदेव ये सब क्यों किया, व्यासदेव इसीलिए किया ताकि लोगों को ज्ञान हो। जैसे मैं जूम क्लास क्यों आयोजन कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को भागवतम का ज्ञान हो पूर्णतया, पूर्ण रूपे न, किसी भी चीज का कोई बाकी न रहे। कोई व्यक्ति आके ये न बोले कि आप लोग भागवतम जैसे सिखाना चाहिए उसमें से थोड़ा कुछ कमी रहे, नहीं। जब जरूरत पड़े तो एक दिन में 10 श्लोक भी लेंगे, और जरूरत पड़ोगे तो 1 श्लोक 2 दिन भी करेंगे, 9 को 6, 6 को 9। तो
जद्यप यहाँ पे सिले पर व्यासदेव क्या बता रहे, जद्यप मैं पूर्ण रूप से सज्जित हूं तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। एक दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए अभी मैं मायापुर में हूं, मैं विश्वनाथ प्रभु जी के घर में गया बांकुड़ा एग्जाम्पल, तो आराम से स्नान किया, लक्ष्मी के साथ गई, आराम नया कपड़ा है वहां पे पहने, उसके बाद पूरा एकदम आयरन किया हुआ कपड़ा पहना, घड़ी एकदम पूरा तिलक सब कुछ फिट फाट, और 12 बज गया अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला एग्जाम्पल, ठीक है, शाम 6 बज गया कुछ नहीं आया लंच वगैरह, तो जद्यपि मैं फिट फाट हूं, घड़ी पहना हुआ है, धोती एकदम आयरन किया हुआ है, तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगा? नंद किशोरी माता जी का क्या कहना है इस विषय में? हाँ, क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा? नहीं। क्यों? ये घड़ी और पोशाक ही तो नहीं संतुष्टि करेगी। इसका मतलब जो पेट जो है ना, पेट में चूहा दौड़ रहा है या खरगोश दौड़ रहा है ना, या बिल्ली दौड़ रही है भूख से, हाँ, और हम ऊपर से एकदम पूरा राजकुमार की तरह सज धज के, उससे शांति की प्राप्ति संभव नहीं है, नहीं होगी, नहीं होगी। तो उसी प्रकार व्यासदेव यहाँ पर बता रहे हैं, जो मूल रूप से जो कृष्ण भक्ति है ना, व्यक्ति विशेष का जीविका, मैंने उसको ही नहीं दिया, पूरा कपड़ा वपड़ा ढाक के एकदम सज्जित किया, यहाँ पे वही चीज व्यासदेव बता रहे हैं कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है जद्यप मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि खाने को नहीं मिला, 12 बज गया। तो यही हाल हुआ है व्यासदेव। विवाह माता जी को समझ नहीं पाए क्योंकि उनका नेटवर्क डिस्टर्ब आना जान रहा है। आप यूट्यूब में सुन लो ना माता जी, कुछ कुछ चीज अगर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारा अभी चला गया, क्योंकि हम ख्वाब में विश्वनाथ प्रभु जी के घर में गए थे। तो व्यासदेव इसीलिए अपूर्णता का अनुभव कर। तो आगे बताया जाएगा क्या कारण है, बोले कि किंबा भागवता धर्मा न प्रायेनो निरूपिता प्रिया परम हंसानाम तएव हि च्युत प्रिया। अर्थात कि हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया है, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को है ना। यद्यपि मैं विश्वनाथ प्रभु जी के घर में आके, ठीक है, भागवतम क्लास भी कर रहा हूँ, जूम क्लास सभी भक्तों के साथ हूँ, और प्रभु जी हाँ जगन्नाथ प्रभु कितना माला जप किया, हाँ प्रभु हो गया 12 माला, ऊपर मन से हो सकता बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बोलूं प्रभु जी आपके घर में आया हूँ, कुछ खाने तो दो, मैं कैसे बोलूं? तो नहीं बोल पा रहा, लेकिन टेंशन है ही। तो विश्वनाथ प्रभु अगर सोचे कि जगन्नाथ प्रभु तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते, सब समय फांसी मुख से करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, ओरे बाबा मैं तो सुबह से उसे खाने ही नहीं दिया, मैं तो सुबह से खाने ही नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा बोल रहे हैं कि 12 माला या 8 माला या मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, गुमसुम है। तो वही चीज यहाँ पे व्यासदेव बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ही नहीं किया हो, मतलब मैं खाने ही नहीं दिया हो, जो सिद्ध जीवो अथवा अच्युत भगवान दोनों प्रिय है, जो जीवों का
भरण पोषण करने का एक साधन है। अगर खाने नहीं दिया जाए तो टेंशन भी आएगा, क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, है ना। आप लोग चीज को समझ गए ना, व्यासदेव जो बोलना चाह रहे इस एग्जाम्पल के माध्यम से बैठा रहेगा ना दिमाग में सब समय। गीता माता जी बैठा रहे दिमाग में रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल, बस शुद्ध एग्जाम्पल है। हाँ स्टैम्प हो गया स्कैन, ठीक है। इसीलिए से एग्जाम्पल देते ताकि कलयुग का प्राणी है हम सब, लेकिन कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना, इतना भी कलयुग है या घोर कलयुग हो भूला नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैं वैसे वैसे एग्जाम्पल खोज के कलेक्ट कर रखता हूँ। ये जो क्लास शुरू करने से पहले, ये जो आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, इससे पहले मैं 2-4 घंटा इसका ओवरव्यू करता हूँ, ओवरव्यू देखता हूँ कि इस शब्द के बदले क्या बोलना चाहिए, इसके बदले क्या बोलना चाहिए, फिर इसके साथ कौन सा एग्जाम्पल सेट होगा ताकि भक्तों के दिमाग में ऐसे ही नहीं बनता पावरफुल क्लास और ऐसे ही नहीं बनता हृदय में दिव्य ज्ञान। तो वही चीज यहाँ पे व्यासदेव भी कर रहे हैं, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वो यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया गया। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकता। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ। तो क्या बताया जा रहा है, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित ना होता। सेवा की सामान्य दशा अर्थात एग्जाम्पल जैसे हाथ का काम क्या है, कुछ उठाना, मुंह का काम क्या है, खाना। जो हाथ अगर बोले आ रहे तुम मुंह हो, तुम अलग प्रदेश से हो, अलग राज्य का हो, मैं हाथ हूं, मैं अलग स्टेट का हूं, तो मैं तुम्हें खाने के दूं, मैं खुद खाऊं। अगर हाथ ऐसा सोचे तो हाथ भी दुखी होगा और मुंह जो है मुंह भी दुखी होगा, क्योंकि दोनों तो शरीर से कनेक्टेड है। अगर खाना ना खाए शरीर में तब तो पूरी तरह से तो मतलब वो तो मर जाएगा ना, खाना ना खा खा के वो पूरा दुर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। तो हाथ अगर सोचे अरे मैं हाथ हूं, तुम मुंह हो, तुम जीभ हो, तुम कान हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है शरीर में। तो हाथ अगर सोचे कि मैं मुंह को खाना ना दूं, और मुंह अगर सोचे मैं मुंह में खाऊं सही लेकिन पेट में ना जाने दूं, तो क्या ऐसे संभव है आनंद का। सबके पास एक कॉम्बाइंड है, सबके साथ एक रिलेशनशिप। फैक्ट्री में बनता है BSL फैक्ट्री में आपका स्टील बर्तन, वो अगर बोले नहीं नहीं बोकारो के बाहर नहीं जाना चाहिए, बोकारो के बाहर ये स्टील का सामान नहीं जाना चाहिए, तो अगर पावन दे ले तो बोकारो वही नैरो माइंड में वही कुटिया में रहेगा कुएं का मेढक की तरह, क्योंकि स्टील कंपनी सारे विश्व में उसको फैलाना है तब तो इनकम होगा ना, ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरे देश में जाएगा, ये होगा वो होगा, सबके घर घर में बैठकर सभी प्लेट से खाना खाएंगे। तो अगर बोले नहीं नहीं बोकारो के बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर ये सोचा तो कुछ होने वाला नहीं। ये जो सामान है, ये जो स्टील है ना, एकमात्र जो ब्राह्मण है वही व्यक्ति के घर में होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं। तो अगर ऐसा कुछ अनुशासन बना दिया तब तो हो गया बोकारो स्टील प्लांट, है ना। तो उसी प्रकार अगर हमारा हाथ सोचे ये बोकारो, हाथ अगर सोचे कि मैं मुंह को खाना क्यों दू, मुंह तो अलग डिपार्टमेंट है, मैं अलग हूं, नहीं, सबके साथ कॉम्बाइंड होना चाहिए। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहे, जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, अर्थात हाथ मुंह का सेवा करे, मुंह पेट का सेवा करे, पेट पूरे शरीर का सेवा करे, तब तक ना तो भगवान और न ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है ना। जब तक हाथ मुंह का सेवा ना करे, जब तक मुंह पेट का सेवा ना करे, तब तक ना शरीर ना पेट ठीक रहेगा
ना पूरा शरीर संचालन होगा, ना चल पाएंगे ना दौड़ पाएंगे। तो अल्टीमेटली सामान्य दशा का अर्थ क्या है, सेवा की सामान्य दशा, सबको सामंजस्य रूप से कार्य करना। समझ में आ गया नंद किशोरी माता जी सेवा की सामान्य दशा का अर्थ? ठीक है, जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कल बोले थे ऊपर का सर है सो ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है और ये वैष्णव है और नीचे के पर्सन शूद्र, तो एक तो सबसे तो सब एक दूसरे के तो ये है, एक चीज नहीं रहेगा तो दूसरा उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इसमें कोई कहे कि नहीं, जैसे हमारे राकेश प्रभु गाड़ी चला रहे, अगर इसके पास पेट्रोल है लेकिन अगर चक्का में अगर हवा ना हो तो जी, अगर चक्का भी है पेट्रोल भी है अगर गाड़ी चलाने वाला ना हो तो हाँ, तो सबका सामंजस्य है, चक्का भी सही रहना चाहिए, टायर पाम फुल, और साथ ही साथ पेट्रोल भी होना चाहिए और साथ ही साथ इस तरह का ड्राइवर भी होना चाहिए, ड्राइवर भी, ठीक है, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, यानी पूरक होना चाहिए जी, यही हमको नहीं आ रहा था बोलने को, एक दूसरे को पूरक होना चाहिए, एक तो अपने के कहेगा कि हम सबसे बड़े हैं, हमको कभी किसी से जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत तो एक दूसरे का तो है ही, छोटे से छोटे बड़े से बड़े आदमी से तो जरूरत है ही। यस, तो गीता माता जी अभी बोली कि सब एक दूसरे के पूरक है, तो पूरक तो है ही, तो वही चीज, हाँ तो वही चीज यहाँ पे व्यासदेव अखुन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि क्या कमी रह गया मेरे पास। तब क्या हुआ, जब वो खुद अपना रिजल्ट नहीं निकाल पाते कि मेरा मलेरिया है या टाइफाइड है या सर्दी काशी है या पेट बेथा है या क्या है, जब खुद कंक्लूजन नहीं ले पाए तो डॉक्टर आया घर में। व्यासदेव जब अपने रोग का इलाज, जब रोग के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, तब आए इतस्यैवं खिलमात्मनं मन्यमानः सखिद्धतः कृष्णस्य नारदोभ्याज्ञात आश्रमं प्रागदुह्यतम्। मतलब जैसा कि पहले कहा जा चुका, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण देवायन व्यास की कुटिया में नारद मुनि पधारे। नारद मुनि का प्राकट्य, तो नारद मुनि वहां पर पधारे। तैसे हम लोग के जीवन में भी कभी कभी होता है, जब हम लोग को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है और उस समय जब डॉक्टर आते हैं तो लगता है कि भगवान आए, है ना, ऐसा किसी किसी का हुआ है, जब खूब ज्यादा ही सीरियस है वो छटपट छटपट कर रहे हैं, वो इसी अवस्था में जब डॉक्टर आते घर में तो फील होता है कि भगवान ही आ गए। ये किसी का फील हुआ है या मैं, ये मेरा ऊपरी बानी, किसी का फील हुआ है? भक्तगण से हम पूछ रहे हैं, विश्वनाथ प्रभु आपका कभी ऐसा फील हुआ है? नहीं प्रभु, ऐसा फीलिंग अभी तो आया नहीं, तो ज्ञान तो आया नहीं, जब बचपन बचपन में हुआ तो होगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ अभी तो नहीं है, चलिए भगवान की कृपा है, नृसिंहदेव की कृपा। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी आपका ऐसा फीलिंग आया है कभी, उस तरह के बीमार में पड़े थे और ऐसे समय में? बीमार तो पड़े थे प्रभु जी, तो जब डॉक्टर आते थे तड़प छटपट छटपट कर रहे थे, जब डॉक्टर आपके घर में प्रवेश किया तब कैसा लगा कि साक्षात भगवान है, ऐसा फील हुआ है? भगवान का ही रूप समझते हैं वो, मैं नहीं बता रहा हूँ भगवान है या मनुष्य है, मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का फील हुआ था कभी? ये सुनो, चलिए अभी लज्जा के कारण कोई नहीं होता, गीता माता जी तो चलिए आप लोग का बॉडी स्वस्थ है, लेकिन कभी जब होगा तब मेरा याद आएगी।
जगन्नाथ प्रभु ठीक बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी। डॉक्टर से तो नहीं लेकिन बहुत जबरदस्त एक बार मैं बीमार पड़ा था, डॉक्टर्स का कोई दवाई काम नहीं कर रहा था, 14-15 दिन हम रह गए अस्पताल में। एक माता जी आई और उन्होंने मेरे माथा को बाल को सहलाया तो जो दर्द से हम तड़प रहे थे माथा में वो रिलैक्स हुआ। आंख खोल के देखे तो हम देखे कि अरे फलाना आंटी है। उसमें एकादशी वगैरह मैं कुछ ऐसी नहीं करता था, पूजा पाठ का बहुत जो है, तो उसके बाद रिलैक्स हुआ और दूसरा दिन से वो डाउन होना स्टार्ट हुआ। हम करीब करीब 4 से 5 दिन में स्वस्थ होके घर आ गए। फिर जब मैं उस माता जी से मिलने उनके यहाँ गए हम, तो बोले माता जी क्या ऐसा आती था। तो उन्होंने कहा कि बाबू हम जीवन में बहुत जो है ना तो हमने अथी किया है, एकादशी किया है और तुम्हारा किया हुआ उपकार हम बताया कोई नहीं। एक आदमी बताया कि तुम बहुत सीरियस है और सब जो जाता है उसे तुम अपने प्राण दान मांगता है कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, यही भाषा तुम हमने। हाँ इतना हम 14-15 दिन से परेशान थे, वो छोड़ ही नहीं रहा था, फीवर नहीं छोड़ता था, माथा नहीं छोड़ता था। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तुम्हारे लिए एकादशी का व्रत का अपना जो हमने किया था उसमें से जो है सो 300 अपना एकादशी व्रत हमने तुमको दान दिया। उसी लिए हम बोले रही तो महसूस हो रहा था माथा में अपने हाथ तक रखा नहीं तो हम बोला नहीं तो डॉक्टर का दवा नहीं सुन रहा और क्या हुआ, माथा दर्द आराम होने लगा, रिलैक्स होने लगा। तो बहुत बार करीब आधा घंटा मेरा माथा सला रही थी तो बोले थी मैं वही प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि भगवान जो भी हम अगर जो आप एकादशी किए हैं इस एकादशी फिर सेकेंड डे हमने जाके ब्राह्मण से दान करा के इतना दान तुमको जो है दे दिया हमने, जो जीवन भर का जितना हम एकादशी किए वो एकादशी हमने जो है तुमको दान कर। माता जी विचार रही नहीं अब तो डॉक्टर से अधिक जो है ये संतों का दवा काम करता है प्रभु जी, उसका हम भोगी है हमने देखा है। बेचारी नहीं रही लेकिन उन्होंने दे दिया अपने जीवन का जितना एकादशी था सब उन्होंने हमको दान करके दे दिया। और एकादशी का इसलिए हम ताकत देखे तब जाने करें एकादशी क्या होता है, ये दूसरे को अपने लिए होता ही नहीं है तो दूसरे के लिए होता है। तो ये जितने साधु संत महात्मा है ये भी एक डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर है और इनका भी हुआ है, मैंने साक्षी हम देखे हुए हैं कैसे होता है। डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर है प्रभु जी, ये संत महात्मा भी उससे बड़े डॉक्टर है, उनकी दवाइयां काम नहीं करती हैं, डायग्नोसिस सही होगा तब ना। लेकिन उसने प्रार्थना किया और एकादशी दान दिया और मैं ठीक हो गया। फिर अभी हम गए हैं लाखों रुपया 200 लाख रुपया कितना लाख रुपया लगा इस कोरोना काल में भी और पूरे इस गौन में ये हरिनाम चलता रहा, प्रभु जी ने रोका नहीं हरिनाम, उसमें भी हम बच गया है रुपया पर नहीं, सिर्फ समझिए कि भगवान के लोगों ने जो है चारों तरफ चल रहा था, जितने हमारी चार धाम कीर्तन मंडी थी वो लोग हवन कर रहे थे, इधर इस कौन में अपना चल रहा था, प्रभु जी कराते थे घर में, बच्चे करते थे हरिनाम करते थे, तब मैं बच के आया। तो आप भगवान डॉक्टर को भगवान नहीं कह सकते, ये दुआ जो है ना डॉक्टर भी बोलता है कि हम नहीं है भगवान से याचना करो, वहां भी बोलते थे कि भगवान से करो तुम प्रेयर, वही कुछ सुनेंगे, कोई दवाइयां काम नहीं करती थी, कोई कोरोना का दवा हुआ नहीं निकला था, तो ये दुआ ही काम किया था प्रभु जी, देखा हुआ है और हम पर तो बीता है इसलिए हम धीरे 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 सब देखते हैं तब जाके जो है जान के। तो ये डॉक्टर बहुत सुंदर अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए प्रभु जी, लेकिन आप सब भक्तों को कभी कभी देख के मुझे दुखी भी बोलते कि मैं कुछ समझाना चाहता हूँ दूसरा और उत्तर मिलता है दूसरा। कि अभी जैसे बोले कि डॉक्टर को भगवान नहीं कह सकते, अरे मैं भगवान कब कह रहा हूं, चीज को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं ना तब व्यक्ति वैसे सोच लगता हो भाई आओ जल्दी रे बाबा मुझे इंजेक्शन दो, मुझे सलाइन चढ़ाओ, है ना। तो आप लोग का हुआ नहीं इसलिए आपको पता नहीं, है ना। जिसके जीवन में घटे हैं वो फील करेगा और जब अगर कभी होगा ऐसा तब वो चीज का याद आएगा। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल दिया, आप चीज को समझना है सभी भक्तों से। हरे कृष्णा प्रभु जी, होता है प्रभु जी ऐसा होता है, तबीयत खराब जब हो जाता है ना। लेकिन हमारे विश्वनाथ प्रभु और प्राण मोहन सिंह प्रभु जी तो कबूल नहीं किया, क्योंकि एक इज्जत का सवाल है ना, अगर मैं वैसे अवस्था में अगर बोल दूं नहीं ऐसा होता है। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के जीवन में हुआ है,
तो चलिए, भगवान श्री कृष्ण हम सब पर बहुत ही कृपालु है जिसके कारण हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा फिर होता है, ऐसा फिर आएगा, आ चुके हैं, हो सकता भूल गए, जैसे विश्वनाथ प्रभु चीज को बोले हो सकता बचपन में हो सकता था लेकिन अभी तो नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब हुआ है। तो चलिए हम इस चीज को एग्जांपल, आप लोग चीज को सीरियस नहीं लेना है, मैं जब कथा के दौरान कोई एक एग्जांपल सेट करना चाहूँ तो तुरंत उसको स्किप कर देना है बोलकर, नहीं तो उसी में अगर फंसे हुए तो रह गया भगवत कथा, भागवत क्लास के सुनना है या इसी में तर्क वितर्क में फंसना है, इसीलिए चीज को समझ के उल्टा न, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भक्त है जो उसको एक कहानी बना के अपना एक लेक्चर झाड़ देते हैं, ऐसा नहीं। हम क्या चीज के बारे में वो बोला था और इसकी उत्तर क्या है? हाँ बताइए। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, हम आपकी और दूसरे किसी की बात नहीं, हम बोल रहे कि तब तक नहीं बोलना चाहिए या जब तक नहीं, क्योंकि अगर नहीं समझ पा रहे तो चीज को नहीं बोलना है। जैसे अभी हमारे राकेश प्रभु जी बोल दिए, मुझे दुख लगा कि प्रभु जी भगवान को, डॉक्टर को भगवान तो नहीं बोल सकते, तो क्या मैं मूर्ख हूं कि मैं डॉक्टर को भगवान बोल रहा हूँ, जितना दिन का भागवत कथा कर रहा हूँ यहाँ से, या इतना दिन बचपन से जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ भागवत, क्या मैं डॉक्टर को भगवान बोल रहा हूँ? चीज को समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, भाव क्या है ना, कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज लाना चाह रहा, तो उस अनुसार आपको रिप्लाई आना चाहिए। तो ये सब जो चीज है, व्यासदेव जो है वो एक रोगी की तरह अपने दोषों पर पश्चाताप कर रहे थे, तब डॉक्टर आया नारद मुनि उनके घर में, तो जैसे ही नारद मुनि का पदार्पण हुआ व्यासदेव की कुटिया में, उसको ये फील होया कि साक्षात भगवान आए और मेरे अंदर जो व्यर्थताएं हैं, मेरे अंदर जो रिक्तताएं हैं, वो चीज अभी नारद मुनि हमें बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वो उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी, बल्कि भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहां तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती जो सन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते। श्रीमद भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव सत्तावेश दिव्य पुरुष थे तो भी असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ जैसा ऊपर कहा गया है। यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में गुरुदेव का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक उसे दिव्य ज्ञान नहीं मिलता। कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चीज को बताया कि व्यासदेव के पास ज्ञान का भाव नहीं था, एक चीज का अभाव था, वो क्या है? वो भक्ति है ना, वो भक्ति। भागवत धर्म जो है विशुद्ध शुद्ध भक्ति है जिससे जीवात्मा कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो जाए, ये ज्ञान बाकी दूसरे जगहों में नहीं किया। अर्थात विष्णु पुराण, शिव पुराण, चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, ये किसी में भी ये सब का उल्लेख नहीं था। तो नारद मुनि अभी आए, तो नारद मुनि आके अभी क्या करेंगे, क्या बताएंगे? और जो जैसे हम लोग कुछ कुछ कल्पना करते हैं ना कि हो सकता मेरा बुखार है, हो सकता मेरा अब सर्दी खांसी है, हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के बता देते नहीं तुम्हारा कैंसर है, तब हम लोग ओ माय गॉड ऐसा बात है। तो उसी प्रकार यहाँ पे व्यासदेव सोच रहे कि मैंने हो सकता ज्ञान का कमी किया, मैंने हो सकता किसी जगह में ये नहीं किया, मैंने हो सकता ये नहीं किया, लेकिन डॉक्टर आया नारद और बता दी कि नहीं आपने शुद्ध भगवत भक्ति का वर्णन नहीं किया। तो शुद्ध भगवत भक्ति का वर्णन किया या नहीं किया
अभी आगे नारद मुनि बताएंगे। सभी भक्तगण ज्वाइंट हो जाएंगे।